जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024। एक्सरसाइजेस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपने अभी संडे को यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी देख लिया। एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर पूछी गई। इसके अलावा और आप देखते हैं कि तीन चार डिफेंस के क्वेश्चन और पूछे गए, वो डायरेक्टली आप राष्ट्रीय सेवा चैनल पे देख सकते हैं। हमने एक एक क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। एंड एक्सरसाइज के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज पिछले एक साल में यहाँ पर हुई हैं, किन कंट्रीज के बीच में हुई है, कहाँ पर हुई है, ये सब हमने यहाँ पर चैनल पे डाल रखा है। तो इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया इन द एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024, जो कि यूएसए में अभी करवाई जा रही है। क्या है ये एक्सरसाइज, लेट्स डिस्कस द नेटिग्रिटीज। एन इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द रेड फ्लैग 2024। इंपॉर्टेंट पहला ये है बिकॉज इस बार जो मित्र शक्ति वाला क्वेश्चन आया है सिविल सर्विस में, ऑल दो एलिमिनेशन से वो एकदम से हो गया, बट उसमें लास्ट स्टेटमेंट ये भी थी कि इंडियन एयरफोर्स में उसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये कहां पर हो रही है, इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का। अलास्का जो कि 49th स्टेट है यूएसए का, 50 स्टेट है, 50th स्टेट इज द हवाई। ठीक है, तो ये आपको पता हो। ये सेकेंड एडिशन है एक्सरसाइज रेड फ्लैग का, ये आपको इंपॉर्टेंट है। कंट्री पता हो, कहां पर हो रही है ये पता हो। एक ये एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो चार बार होती है एक साल में बाय द यूएस एयरफोर्स, ये आपको पता हो। ठीक है, नाउ इसके अंदर इंटीग्रिटीज की क्या क्या चीज यूज हुई है, क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बताता हूं। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स के अलावा आप देखते हैं कि इसमें सिंगापुर की एयरफोर्स, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स, नीदरलैंड की एयरफोर्स, जर्मन, यूएस एयरफोर्स, इन सब की पार्टिसिपेशन इसमें है। रेड फ्लैग एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है विच इज कंडक्टेड विद मल्टीपल सिनेरियोस डिजाइन टू प्रोवाइड रियलिस्टिक कॉम्बैट सेटिंग्स। कॉम्बैट सेटिंग्स को यहां पर प्रोवाइड करने के लिए इस एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। नाउ डिमार्केशन बना रखी है, डिमार्केशन ऑफ फोर्सेस इज डन फॉर सिमुलेटिंग द डिजायर्ड एनवायरमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक रेड फोर्स सिमुलेटिंग है और एक ब्लू फोर्स। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बिल्कुल एफ कैट की तैयारी कर रहा है वो कह सकते हैं कि उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड फ्लैग बेसिकली जो यूएस एयरफोर्स है उनके स्क्वाड्रन फ्लाइंग F-16 F-15 एयरक्राफ्ट यहाँ पर है। ठीक है, एयरक्राफ्ट से बात आया कि अभी देखा आपने कि फिफ्थ जनरेशन यहाँ पर फाइटर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, अभी हम काम कर रहे हैं इस पे। ठीक है, उसमें रफेल भी एक यहाँ पर ऑप्शन था, ये सारे 4 और 4.5 से डील करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अभी डिफेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज डिफेंस की आपको पता हो। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स रफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड, इस बार रफेल ने इसमें पार्टिसिपेट किया ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा सिंगापुर के एयरफोर्स थे, यूएस एयरफोर्स F-16 F-15 ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या नीटिग्रिटीज, ये वाली चीजें कोई काम की नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंडियन एयरफोर्स का क्रू बताया गया है कि एक्टिवली यहाँ पर इन्वॉल्व था मिशन प्लानिंग में, मिशन लीडर्स में। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होती है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है, आपने थोड़ी दिन पहले देखा कि तर्कश एक्सरसाइज हुई स्पेशल फोर्सेस के बीच में, इंडिया और फ्रांस की शक्ति एक्सरसाइज हुई। अब ये बता रहा है कि एक्सरसाइज तरंग शक्ति, जो कि पहली इंडियन मल्टीनेशनल यहां पर एयर एक्सरसाइज होगी इस साल के एंड में, ये इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग जो एक्सरसाइज है, एनरिच्ड विद द रेड फ्लैग एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स कीनली लुक्स फॉरवर्ड टू होस्टिंग द पार्टिसिपेटिंग कॉन्टिजेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। इसमें पार्टिसिपेट होने के बाद एयरफोर्स यहां पर लुक फॉरवर्ड कर रही है कि यहां पे तरंग शक्ति में ये सारे की सारी जो पार्टिसिपेट कॉन्टिजेंट हैं इनको वो होस्ट कर सके। ठीक है, तो रेड फ्लैग हो गया। अब इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हुई है, शक्ति हो गई, तरकश हो गई, ये सब आपको चैनल पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारी की सारी आपको एक्सरसाइज अप टू डेट जो जो होती जा रही है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपने देख ही लिया कि इस बार तो यूपीएससी ने रैंक्स तक पूछ लिया कि ब्रिगेडियर किस इक्विवेलेंट एयरफोर्स में, नेवी में कौन है, तो आप देख सकते हैं कि यू स्टैंड फॉर अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट जैसे कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, आपको एक फंडा अपनाना है, कनेक्ट एंड इंटीग्रेट। अगर आपको स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करना आ गया, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट होंगे।
हम अपनी जो क्लासेस लेते हैं सीडीएस एनडीए की, उसमें जितने क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करवा रखे थे सब एज इट इज क्वेश्चन हमें यूपीएससी के सिविल सर्विस के एग्जाम में देखने को मिले। ऑल दो यहाँ पर हम खाली एनडीए सीडीएस एफ कैट और सीएपीएफ के लिए ही हैं, बट हमने देखा कि सीडीएस और सीपीएफ का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है जो कि प्रीलिम्स लेवल पर आ रहा है एंड सेम टू सेम क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिले। सो प्लीज करंट अफेयर्स, अब हम ऑलमोस्ट मई तक के करंट अफेयर्स डिस्कस भी कर चुके हैं, अभी जल्दी ही आपको जून 1 से 15 जून के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, आप रिवाइज कीजिए। 1 सितंबर को आपको एग्जाम है, तब तक आप इसे लगातार जे टू जे जनवरी टू जुलाई करंट अफेयर्स को लगातार कीजिए, सो डैट एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट की तरह लगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।